गुड इवनिंग एवरीवन, टुडेज़ टॉपिक इज मॉडल्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर। ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर्स के मॉडल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें निस्कानन, थ्यूलक, ठीक है, और डन लेवी ने बहुत सारे अपने व्यूज़ बताए हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर यानी कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी होती है। ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का वो सिस्टम जो कि क्या करे, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिसीजन होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के, वो क्या करे, वो जो स्टेट के ऑफिशियल्स होते हैं यानी कि ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स हो गए या फिर रिवेन्यू ऑफिसर्स हो गए, वो लें जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है स्टेट्स के, ना कि जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, वो ना लेके कौन लेंगे, जो हमारे स्टेट के ऑफिशियल्स होते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। और ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, वो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसने एक्सप्लेन किया है द ब्यूरोक्रेसी बिहेवियर इन द निस्कानन असाइन मोनोपोली पावर टू द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में इसमें क्या करा है, एक मोनोपोली पावर दे दी गई है इसके, किन के हाथ में, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है। और निस्कानन मॉडल रेस्ट ऑन टू सेंट्रल अजम्पशंस। निस्कानन मॉडल किसके ऊपर रेस्ट करता है, टू सेंट्रल अजम्पशंस है निस्कानन मॉडल की। एक तो ये है, ब्यूरोक्रेटिक जो होते हैं वो मैक्सिमाइज करते हैं द साइज ऑफ देयर बजट, अपने बजट के साइज को क्या करते हैं, वो मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है, किस तरह, आउटपुट को बढ़ाकर, ठीक है, सप्लाई को बढ़ाकर वो क्या करते हैं, जो उनका जो बजट होता है उसके साइज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या करते हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक्स आर इन इफेक्ट्स इन सिंपल मोनोपोलिस्ट हु आर एबल टू इम्पोज देयर ओन प्रेफरेंस। और इनके क्या होते हैं, सिंगल मोनोपोलिस्ट होते हैं यानी कि इनके पास मोनोपोली पावर होती है, इनकी खुद की प्रेफरेंसेज होती हैं ऑन द गवर्निंग पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्न कर रही हैं, इनके क्या करते हैं, इनकी ही प्रेफरेंसेज चलती हैं, ठीक है, ये मोनोपोलिस्ट पावर होती है इनके पास, ये मोनोपोलिस्ट होते हैं, ठीक है, ये दो अजम्पशंस हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, निस्कानन प्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन, निस्कानन ने रिलेशनशिप शो किया है किसके बीच में, ब्यूरो के बीच में, ब्यूरोक्रेट्स और स्पॉन्सर्स यानी कि गवर्नमेंट जो क्या कर रही हैं, इन्हें क्या प्रोवाइड करा रही हैं, इन्हें फ़ंड प्रोवाइड कराती हैं, किसे, जो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स को फ़ंड क्यों प्रोवाइड कराती हैं, ताकि जो जो हमारी इकोनॉमी में जो हमारे स्टेट्स हैं वो फंक्शनिंग कर पाएँ, ठीक है, इफेक्टिवली और इफ़िशेंटली। तो ये जो हमारी कौन होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो फ़ंड प्रोवाइड कराती है, और ये फ़ंड कहाँ से आता है, ये फ़ंड आता है टैक्सेस से, ठीक है। इस फ़ंड को बजटिंग की हेल्प से कौन यूज़ करता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं हमारे, वो ऑफिशियल्स, हमारे ऑफिसर्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमी में, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है, जो ब्यूरो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्स करते हैं सर्विसेज ओनली टू द स्पॉन्सर्स। जो स्पॉन्सर्स होते हैं उन्हें सेल करते हैं सर्विसेज। सपोज करो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, रोड बनने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, फिर ब्रिज बनना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जैसे ठेका दे दिया कि आप रोड बनाएं, ठीक है, ये मटेरियल लगाएं और इतनी आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सेल कौन करता है, ब्यूरो सेल करते हैं सर्विसेज के, इन्हें स्पॉन्सर्स को करते हैं, और स्पॉन्सर बाय करते हैं किन से, इनसे, ब्यूरोक्रेट से बाय करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बजट के लिए सिर्फ एक्सचेंज होता है इनका, ना कि उनके प्राइसेस ये डिटरमाइन नहीं करते, सिर्फ बजट एक्सचेंज होता है इनका, ठीक है। फिर देर इज़ वन ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकर, और इनमें क्या होता है, एक ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकर होता है, वो कौन होता है, वो सीनियर ऑफिशियल होता है, यानी कि जो सीनियर ऑफिसर होता है ना, वही डिसीजन लेता है कि कैसे, कब, क्या काम होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है, ब्यूरोक्रेट्स मैक्सिमाइज द टोटल बजट ऑफ द ब्यूरो ड्यूरिंग देयर टेन्योर। अपने टेन्योर के टाइम में क्या इनकी अपॉर्चुनिटी रहती है कि अपना बजट जो है वो मैक्सिमाइज करें, यानी कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराएं, सप्लाई जो है आउटपुट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराएं, जो उनकी कॉस्ट है उससे वो कम रहे, और जो आउटपुट है, बेनिफिट है, वेलफेयर है सोसाइटी का, वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद बता दें, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट यानी कि एक इन्होंने कंस्ट्रेंट लगाया है, ठीक है, दैट द बजट मस्ट बी इक्वल। बजट किसके इक्वल होना चाहिए, या फिर ग्रेटर होना चाहिए किससे, जो हमारी मैक्सिमम टोटल कॉस्ट, ये नहीं, सपोज करो कोई प्रोजेक्ट है, कोई रोड बनवाने हैं, डैम्स या फिर ब्रिज मान लो, ठीक है, तो उसका ये है कि 1000 करोड़ उसकी क्या आई है, कॉस्ट आई है, ठीक है, और बजट दिया था उन्होंने 1000 करोड़ का ही, या फिर ये ना हो जाए कि 120 करोड़ की उसकी कॉस्ट आ गई, बजट सिर्फ 1000 करोड़ का, वो 100 करोड़ का था, ठीक है, यानी कि जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किससे, जो बजट है हमारा, ठीक है, सप्लाइंग और जो हमारी
एक्सपेक्टेड द ब्यूरोज स्पॉन्सर, यानी कि जो ब्यूरोज स्पॉन्सर हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ उतना ही होगा इसमें।